जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और बिहार के भागलपुर के रतन कुमार ठाकुर भी शहीद हो गए हैं। ठाकुर की गर्भवती पत्नी राजनंदिनी देवी को इस बात का मलाल है कि वो उनसे जी भरकर बात भी नहीं कर सकी थी और वह पूरे परिवार को छोड़कर चले गए। रतन के शहीद होने की खबर के बाद भागलपुर शहर के लोदीपुर मोहल्ला स्थित उनके आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग भले ही परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं, परंतु लोगों की आंखें भी नम हैं। भागलपुर के कहलगांव के रतनपुर गांव के रहने वाले रतन का पूरा परिवार इन दिनों भागलपुर शहर के लोदीपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। घर पर जवान पत्नी की राजनंदिनी देवी और 4 साल का बेटा कृष्णा है। 6 माह की गर्भवती राजनंदिनी बताती हैं, जो वह बस से श्रीनगर जा रहे थे, उन्होंने फोन कर बात भी की थी, परंतु रास्ते में नेटवर्क के कारण पूरी बात नहीं हो पा रही थी। तब उन्होंने कहा था कि श्रीनगर पहुंचकर बात करूंगा। इसके बाद तो उनका फोन नहीं आया, परंतु पिताजी के फोन पर एक मनहूस खबर आ गई। इस खबर को सुनने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। रोती बिलखती राजनंदिनी को मलाल रह गया है कि वह आने वाले बच्चे का मुंह भी न देख सके। वो कहती है, आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई जो भगवान ने हमें यह दिन दिखाया। अपने अनमोल रतन को खोने का दर्द शहीद के पिता निरंजन कुमार ठाकुर के चेहरे पर साफ दिख रहा है। पुत्र के शहीद होने की खबर बाद निरंजन के भीतर अपनी पत्नी के जाने का गम भी जिंदा हो उठा। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे। इसको भी भारत माता की गोद में देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है, उस 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, तो हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में, इस भी स्थिति में भी। लेकिन उसका खत्म कर देना चाहिए सर। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो सर। एक बेटा को भारत माता के देश आजादी के चलते, भारत पाकिस्तान को धूल चटाने के चलते ये चावर कर दिए सर। अब ऊपर वाले मेरा नाम राम निरंजन ठाकुर। वो कहते हैं, रतन ने अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था, परंतु हम लोग उसे बचा नहीं सके थे। वो कहते हैं, अपनी माँ के जाने के बाद रतन ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, परंतु इस हादसे ने रतन को भी हमसे छीन लिया। निरंजन एक तस्वीर हाथों में लिए बेचैनी में अपने घर में चहलकदमी कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आने वालों से क्या बात की जाए। अचानक फोटो दिखाते हुए कह उठते हैं, रतन पिछले वर्ष यानी 2018 में जब घर आया था, तब परिवार के साथ फोटो बनवाया था, पूरे घर को खूबसूरती से सजाया था। अब इस घर को कौन सहेजेगा, कौन संवारेगा? रतन के भाई मिलन को भी अपने भाई के खोने का गम है। वो कहते हैं कि प्रारंभ से ही रतन में देश के प्रति कुछ करने की तमन्ना थी। रतन को समय का पाबंद बताते हुए मिलन ने कहा कि वो सारे काम समय से निपटाते थे। शहीद के पिता ने बताया कि वो लोग अपने गांव से बच्चों को पढ़ाने के लिए मार्च 2018 में भागलपुर आ गए थे। उन्होंने बताया कि रतन के अलावा एक और बेटा मिलन ठाकुर है, जो बीए में पढ़ता है। 2 बेटियां हैं, रतन की पत्नी, बच्चे, सब लोग साथ रहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में बिहार के रतन के अलावा पटना के मसौढ़ी के तारेगना गांव निवासी संजय कुमार सिन्हा ने भी अपनी शहादत। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।